अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जॉय ऑफ कुकिंग विद आयशा दलाल। आज मैं आप लोगों के लिए जो एक रेसिपी लाई हूँ वो बहुत ज़्यादा फेमस है, वर्ल्ड ओवर फेमस रेसिपी है, और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी थी कि आपने बहुत सारी बिरयानी की रेसिपीज़ कराई हैं, लेकिन प्लीज़ आप जो है वो कराची स्टूडेंट स्टाइल बिरयानी करवाइए। तो आज मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको स्टूडेंट स्टाइल बिरयानी जो है वो करवाऊँ। तो आइए मेरे साथ चलें और मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिए। आज की रेसिपी जो मैं बना रही हूँ वो मैं चेज़अप के एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस के साथ बना रही हूँ। बासमती राइस से ही स्टूडेंट बिरयानी ओरिजिनली बनती है, तो मैं जो है इन चावल को भिगोती हूँ और आपको सारी रेसिपीज़ बताती हूँ कि किस तरह से हमारी रेसिपी के और क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। हाफ के जी जो है मैंने बासमती राइस लिए हैं। अच्छा, अब ग्रेवी के लिए हमें चाहिए चिकन 1 kg। मैं 1 kg में 1/2 kg राइस लूँगी। अगर आप चाहें तो आप जो है वो 1/2 kg चिकन भी कर लें, लेकिन जब हम बिरयानी बनाते हैं तो फिर जो है वो थोड़ी सी चावल ज़्यादा हो जाते हैं, तो अच्छा मुझे नहीं लगता है, इसलिए मैं 1 kg चिकन लूँगी और 1/2 kg राइस लूँगी। लेकिन आप चाहें तो आप इक्वल अमाउंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आलू लिए हैं मैंने 5 से 6। इसको इस तरह से मैंने जो है वो 3/4 डन करके और हल्का सा हल्दी और नमक डाल के बॉयल कर लिया था। इसके अलावा यहाँ पर जो है कसूरी मेथी है 1 tablespoon, यहाँ पर हल्दी है 1/2 teaspoon, यहाँ पर चाइनीज़ सॉल्ट है 1 teaspoon और ब्लैक पेपर है 1 teaspoon, धनिया पाउडर है 2 tablespoon, रेड चिली पाउडर है मैंने जो है वो पेपर का मिक्स किया हुआ लिया है 2 teaspoon, यहाँ पर हमारे पास है जायफल का पाउडर 1/2 teaspoon, जावित्री 1/2 teaspoon और गरम मसाला 1/2 teaspoon, यहाँ पर मेरे पास है चिकन पाउडर 1 teaspoon। मैंने स्पेशल बिरयानी मसाला मैंने अपने चैनल पे मैंने अपलोड किया हुआ है, तो उसका लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पे देख लीजिएगा, वरना आप कोई भी ब्रांड का 1 tablespoon बिरयानी मसाला ले लीजिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिया है सॉल्ट 1 tablespoon, जिंजर गार्लिक है 2 teaspoon, ग्रीन चिलीज हैं 1 teaspoon, ये खटाई पाउडर है, ये बाहर की जो भी देह वगैरह होती हैं उसमें ये खटाई पाउडर डालते हैं, इससे जो है एक अच्छा सा टेंगी फ्लेवर आता है। टमाटर यहाँ पे 4 ब्लेंड किए हुए हैं और दही जो है मैंने तकरीबन जो है वो 1 cup के करीब ली है ब्लेंड करके। ऑयल जो है वो 1/2 से 1 cup के करीब जाएगा। आप चाहें तो ऑयल ले लें, चाहे तो घी ले लें, चाहे तो ऑयल और घी को मिक्स करके डाल सकते हैं। ठीक है, मैं ऑयल में बना दिया। अच्छा, और यहाँ पर जो है मैं ब्राउन अनियन ली है मैंने तकरीबन 5 ब्राउन अनियन को लेके, और इसको इस तरह से मैंने फ्राई किया हुआ है, और अब जो है मैं इसका आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम यहाँ पर जो है वो 3/4 cup तक ऑयल लेंगे, 1/2 से 3/4 cup जितना आप पसंद करते हैं। अच्छा, इसमें हम सबसे पहले डालेंगे जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली पेस्ट। अच्छा, अब यहाँ पर हम चिकन लेंगे। अच्छा, देखिए यहाँ पे चिकन जो है हमारी फ्राई हो गई है, वाइट हो गई है, पिंक से वाइट हो गई है ये। अब हम इसमें इसकी जो है वो बाकी की चीज़ें डालते हैं, जिसमें सबसे पहले हम डालेंगे हल्दी, इन सॉल्ट और ब्लैक पेपर। मैं फिर कह दूँ कि जितने भी ये जो देर वाले होते हैं ये अपने उसमें चाइनीज सॉल्ट या चिकन पाउडर जो डालते हैं, बाकी आपकी मर्जी है, आप चाहें तो उसको चेक कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर लाल मिर्च और धनिया पाउडर, ये यहाँ पर है नमक है, बिरयानी मसाला है, सीक्रेट बिरयानी मसाले का मैंने लिंक दिया था अपने चैनल पे, आप वहाँ पे देख सकते हैं, और चिकन पाउडर है। खटाई पाउडर है, कसूरी मेथी, अनियन थोड़ी सी हम ऊपर के लिए बचा लेंगे, बाकी हम उसमें डाल देंगे। तकरीबन जो है मैंने इसमें 4 के करीब डाल देंगे, टोमेटो जूस भी डाल देंगे। अच्छा, ये हम थोड़ी देर भून लिया, अब हम इसमें सिर्फ जो है वो 1/2 cup के करीब दही डालेंगे, बाकी दही हम इसे घोल बनाएंगे तब डालेंगे। इसको हम थोड़ी देर पकने रखते हैं, फिर मैं आपको आगे के प्रोसेस बताती हूँ। तकरीबन 10-15 मिनट इसको पकाएंगे, चिकन जो है वो हमारी 3/4 डन हो जाए। ठीक है, देखिए हमने चिकन की ग्रेवी बनाने के लिए रख दी है, और अब जो है हम यहाँ पर चावल बना रहे हैं। इसके लिए हमने चावल जो है वो चेज के लिए हैं एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस।
अच्छा ये देखिए हम यहाँ पे हाफ के जी राइस लेंगे। देखिए मैंने 500 ग्राम लिए हैं और ये देखें आप इसका दाना कितना अच्छा बड़ा है। इसको जो है हम दो तीन पानी से वॉश करेंगे और फिर इसको भिगो के रखते हैं। इसको सिर्फ 30 मिनट्स के लिए हम भिगोएंगे। इसको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसको जो है हम धो लेंगे, भिगो के रख देंगे। 30 मिनट्स के लिए भिगोएंगे और फिर आगे के स्टेप करते हैं। अच्छा देखिए हमारी चिकन का जो है मिक्सचर तैयार हो गया है तकरीबन। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, काफ़ी हद तक ये डन हो गया है और इसमें थोड़ा सा पानी मैंने रखा हुआ है, बस हमें इतना ही बनाना है। अब हम इसे स्टेज पर इसमें जो आलू हमने बॉईल किए थे वो हम डालेंगे। अच्छा आलू भी 5 मिनट इसमें मसाले में अच्छी तरह से भीग जाए। और यहाँ पे मैंने चावल का पानी जो है बॉईल करने रखा हुआ है। और चावल के पानी का ना इसका एक स्टेप है जो आप ज़रूरी इसको देखिएगा कि किस तरह से इनके चावल में फ्लेवर आता है। ठीक है, इसके लिए मैं यहाँ पे जो है चिकन पाउडर ले रही हूँ 1 टीस्पून, चाइनीज सॉल्ट है 1 टीस्पून, सॉल्ट है 2 टेबलस्पून, मिक्स गरम मसाला है जिसमें 2 तेज़पत्ते हैं, 3 बड़ी इलायची हैं, 3 बादियान के फूल हैं, 2 दालचीनी हैं, 3 छोटी इलायची हैं और जो है 1/2 टीस्पून के करीब साबुत काली मिर्च है। इसके साथ ही यहाँ पर जो है वो सिरका जाएगा 2 टेबलस्पून। इससे चावल बड़े खिले खिले बनते हैं। और हरी मिर्चें 3 ले ली हैं हमने फ्लेवर के लिए। अच्छा अब यहाँ पर जो है ना इसमें चावल हमारे 2 स्टेप में निकलेंगे। एक फर्स्ट स्टेप जो होगा हमारा वो होगा हमारा 30% चावल डन होंगे हमारे फर्स्ट स्टेप में, और सेकेंड स्टेप में जो है वो 70% डन होंगे। इसलिए कि देखिए यहाँ पर इतना सारा लिक्विड आपको नज़र आ रहा होगा, तो जब हम फर्स्ट उसमें डालेंगे ये, तो ये जो है ये सारा आपका जो है चावल, अगर आप बिल्कुल डन डालेंगे 75% जैसे हम नॉर्मली डालते हैं, तो ये चावल नरम हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर जो है वो 30% वाले चावल डालेंगे और फिर इसके ऊपर 5 मिनट बाद जो है हम 70% वाले डालेंगे। और चिकन भी यहाँ पर हल्की सी मैंने कम डन करी है, जैसे 70-80% करेंगे, बाकी ये दम में पकेंगे। और ये जो तार है ये थोड़ा सा मैं निकालूंगी, हम ऊपर चावलों में डालेंगे। थोड़ा सा तार हम निकाल लेंगे। अच्छा यहाँ पे चावल को बॉईल आ गया है पानी में, अब हम ये चावल इसमें डाल देते हैं। ये हमने जो है यहाँ पे रख दिया है। अब हम इसको जब एक बाल आ जाएगा तो हम आधे चावल निकालेंगे, फिर दूसरे चावल जो है हम दूसरे उसमें डालेंगे। अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, चावलों में चावल के पानी में जो है वो हम 1/2 टीस्पून के करीब बिरयानी का एसेंस डालेंगे। ठीक है, अगर आपके पास है तो डाल दें, नहीं है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है चावलों का। अच्छा इसके लिए मैंने यहाँ पे जो है वो 1/2 कप के करीब दही ली है और यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून जो है वो ऑरेंज फूड कलर डाला है, येलो ऑरेंज फूड कलर है। यहाँ पर जायफल का पाउडर है 1/2 टीस्पून, जावित्री का पाउडर है 1/2 टीस्पून और 1 टीस्पून हमारा घर का गरम मसाला है। ये हम सब इसमें डाल देते हैं। और जिस तरह से हम दूसरी बिरयानियाँ मैंने आपको सिखाई हैं, जिनके रेफरेंस भी आपको आ रहे होंगे आई लिंक में आप देख लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसके आ रहे होंगे तो वो आप देख लीजिएगा। इसके झोल बनाएंगे और जिस तरह से हम बिरयानी में डालते हैं इस तरह से इसको भी डाल के तैयार करते हैं, जब तक हमारे चावल जो हैं वो डन होते हैं और हम इसको दम पे लगाते हैं। अच्छा ये हमारे चावल को जो है वो एक बॉईल आ गया है, 35% डन हुए हैं, ये मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ। इसे स्टेज पे आप नमक चेक कर लीजिएगा, इसे नमक जो है अच्छा खिलता हुआ नमक होना चाहिए। ठीक है, अभी हमारे चावल हो गए हैं, इसमें थोड़ा सा पानी हम डालेंगे ताकि ये हमारे कच्चे चावल हैं जरा सा 1/2 कप का पानी डालेंगे, सिर्फ 1/2 कप डालेंगे। ये जो हमारा झोल तैयार है ये हम डालेंगे इसके ऊपर। ये धनिया पुदीना डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा। और अब ये जो हमारे फर्स्ट चावल जो हमने निकाले थे 30% डन, वो हम डालेंगे। अब हम ये हमारे जो हमने 30% चावल बॉईल किए थे ये हम इसके ऊपर एक लेयर डालेंगे। अच्छा देखें इसको जो है 7 मिनट्स हो गई हैं, इसको भी हम छान लेते हैं।
अच्छा ये देखें, अब ये वाले जो बाकी के हमारे मक्खिया चावल हैं ये भी हम इस पर डाल देते हैं और इसको जो है 10 मिनट पे। चावल में से बहुत अच्छा अरोमा आ रहा है, हमने बिरयानी एसेंस और डाला है तो उसका जो है वो नेक्स्ट लेवल हो जाता है। नमीन का ये जो हमने ऑयल हमारा ऊपर से निकाला था ये भी हम इसमें 1 चम्मच के करीब डाल देंगे। इसको दम पे रखते हैं, 10 मिनट बाद आपसे मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 10 मिनट हो गए हैं, दम आ गया है और आइए इसकी शक्ल देखते हैं। ये देखें बेहतरीन दम आ गया है और जो है हमारा अब हम इसको हल्के हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। वाइट चावल हम साइड पे करेंगे, इस तरह से मैं वहाँ पे मिलते हैं। पहले हम नीचे जो है वो स्पाइसी वाले निकालेंगे चावल। देखें कितना बेहतरीन इसका कलर आया है। ये देखें बिल्कुल जैसे स्टूडेंट बिरयानी का कलर होता है वही आया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी हौसला अफजाई कीजिए। देखें ये चावल भी कितने खिले खिले बने हैं और कितने बेहतरीन बने हैं। ज़रूर आप लोग भी ये चावल ट्राई कीजिए, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। इसके अलावा मेरे चैनल पे बिरयानी की पूरी एक प्लेलिस्ट है, उसमें बहुत सारी वैरायटी के मैंने बिरयानियाँ पुलाव वगैरह कराए हैं, आप ज़रूर देखिए और आपको जो पसंद है आप ज़रूर उसे ट्राई कीजिए। और इसके अलावा भी अगर आप कोई स्पेसिफिक बिरयानी सीखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर जो है वो आपकी रिक्वेस्ट पूरी करूँगी।